शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहलाते हैं। उनका रोमांटिक अंदाज और उनकी फिल्में अक्सर दर्शकों को पसंद आती है और उनका यही मिजाज और अंदाज फैंस पसंद भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। लेकिन अगर बात हो शाहरुख खान जैसे रोमांटिक हीरो की, तो उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार जस का तस बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने लंबे करियर में कभी उनका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ ना जुड़ा हो। जी हाँ, उनका नाम जुड़ा एक इंटरनेशनल स्टार के साथ, जो न सिर्फ बॉलीवुड में सक्रिय थी बल्कि हॉलीवुड में भी उनके काफी चर्चे रहे। तो चलिए जानते हैं शाहरुख खान की इस अनकही प्रेम। शाहरुख खान जब अपना एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके थे, तब एंट्री होती है प्रियंका चोपड़ा की। मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करती है और एक इंटरनेशनल स्टार बन जाती है, और तभी उनकी फिल्म आती है शाहरुख खान के साथ डॉन। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री और इन दोनों की जोड़ी दर्शकों का और मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है इन दोनों के इस किस्से की। जी हाँ, यहाँ से इन दोनों के बीच की नजदीकियाँ बढ़ने लग जाती है। शाहरुख खान का स्पेशल ट्रीटमेंट प्रियंका चोपड़ा के लिए, और प्रियंका चोपड़ा भी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से लेती हुई नजर आती है। और इसके अलावा निर्माताओं को शाहरुख खान का अप्रोच करना प्रियंका चोपड़ा को लेकर कि वो उन्हें फिल्मों में ले। विद द टाइम शाहरुख और प्रियंका ने एक साथ होस्टिंग भी शुरू कर दी। फिल्म समारोह के लिए उन्होंने यात्रा की और यहाँ तक कि खुद को एक जोड़ी के रूप में ब्रांड समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश की। स्पष्ट रूप से दोनों के इस असामान्य व्यवहार ने आग में ईंधन डालने का काम शुरू किया और यहीं से गौरी खान की भी चिंताएं बढ़ गई। स्थिति तब खराब हो गई जब प्रियंका को पार्टियों में आमंत्रित करना बंद कर दिया गया और शाहरुख खान के अप्रोच करने पर ही उन्हें इनवाइट किया जाता। और ऐसा ही कुछ किया गया करण जौहर की पार्टी के दौरान भी। जी हाँ, मौका था करण के बर्थडे पार्टी का और करण ने उन्हें इनवाइट किया, जहाँ पर शाहरुख खान एक बेहतर होस्ट के तौर पर वहाँ मौजूद रहे और प्रियंका चोपड़ा का खुले दिल से स्वागत किया। प्रियंका चोपड़ा सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाती है, उन्हें हक करती है और गाल पर किस करती है। तो वहीं एक कॉर्नर में गौरी खान बैठी ये सब कुछ देख रही होती है और काफी परेशान हो जाती है। पार्टी काफी अच्छे से चलती है, लेकिन जैसे ही ये जोड़ा अपने घर पहुँचता है तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और गौरी उन्हें बोल देती है कि या तो इस लड़के से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए और हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शाहरुख खान कहाँ किसकी मानने वाले थे, उन्होंने कंटिन्यू किया प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना और यहीं से गौरी की चिंताएं और बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, लेकिन फिर भी स्थिति को तो संभालना ही था, इसलिए उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया, अपने आप को काम रखना। उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, ध्यान लगाना और आध्यात्मिकता का रास्ता अपना लिया। अपने पति को खो देने की असुरक्षा उनके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आती थी, और जो लोग उनसे मिलते वो यही बात करते कि वो कैसे चमक रही है, उनमें खुशी की लहर है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों ही, यानी कि शाहरुख और प्रियंका ही, अपने अफेयर की खबरों का खंडन करते आए। आपको बता दें कि एक बार प्रियंका चोपड़ा से इस बारे में पूछा भी तो इस पर प्रियंका ने चुटकी लेते हुए कहा था कि क्या आप इसे खबर में छापने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको अपनी बिरादरी से ही पूछना चाहिए। और ये सब उन्होंने अपने एक इंटरनेशनल चैट के दौरान कहा। डर्टी लॉन्ड्री को गलती से ये पता लगा कि वो रियल में ही शाहरुख खान को डेट कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि रियलिटी क्या थी इसका नहीं पता चला। लेकिन जैसे जैसे चीजें खराब हुई, इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई और इन्होंने साथ में काम करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कई बार इनकी अपीयरेंस एक दूसरे की मूवीज में दिखी। लेकिन जो भी हो, विद द टाइम शाहरुख खान संभल गए और उन्होंने प्रियंका से थोड़ा किनारा कर लिया और वो अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये प्रियंका चोपड़ा भी निक जोनस के साथ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो आपको शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की ये प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई किस्से कहानियां पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।